हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल 40,200 एक मेजर सपोर्ट है। टूटेगा, अगले हफ्ते टूट सकता है या एक्सपायरी के बाद टूटेगा। अभी रेंज बाउंड के ही बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे व्यू पे इस हफ्ते का क्लियर कट व्यू था, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यूज करना है 40,200 नीचे के लिए और ऊपर 41,200 के रेंज में प्ले करना है। 41,200 के ऊपर बेचना है तो स्टॉप लॉस आपका 41,500 और 42,000 का रख करके 40,200 के बारे में सोचना चाहिए। तो 40,200 एक मेजर सपोर्ट है। जिन लोगों ने शॉर्ट किया है उनको यहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मींस 300-400 अराउंड 100-200 पॉइंट इग्नोर भी कर सकते हैं और फिर राइज मिले 40,800 तक, फिर से 41,200 का स्टॉप लॉस लगा के बेचना चाहिए या वीकेंड में लाइटली पोजीशन लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यू होगा। स्टॉक स्पेसिफिक आईसर मोटर में अभी भी मैं बेयरिश हूँ। अदानी एंटरप्राइजेज में सेम भी हुआ, 3,900 का स्टॉप लॉस लगा के बेचना चाहिए। अब रही बात बैंकों के शेयरों में, एसबीआई में मुझे एक अच्छा खासा गिरावट का सिम्टम दिख रहा है। एसबीआई में जो मेजर टारगेट होगा इसका 540 का, 540 से 530 के बीच में, ये कहीं ना कहीं आपको 555 के टारगेट के लिए इंट्राडे 560-558 एक मेजर सपोर्ट होगा। टूटता है तो 555-554 के टारगेट के लिए बेचना चाहिए। नेक्स्ट वीक तक फिर से बाउंस आता है तो 540 के टारगेट के लिए बेचेंगे। तो एसबीआई अच्छा दिखता है। भारत बजाज फाइनेंस में रिवर्सल नेक्स्ट वीक मिलेगा, रडार पे रखिए। मैं एक दो दिन पहले व्यू देता हूँ इसी पर्पज से कि जहाँ भी आपको रिस्क रिवर्ड फेवरेबल मिले वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये कोई टेक्निकल टिप्स का चैनल नहीं है, यहाँ पे मैं व्यू दे देता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका टॉप बन रहा है या टॉप आउट हो रहा है, बेचने के बारे में या खरीदने के बारे में ढूंढा जा सकता है। वैसे ये स्टॉकों की मैं बात करता हूँ तो ये इम्पोर्टेंट व्यू है। बजाज फाइनेंस को बेचेंगे 7650 के नीचे, मेजर टारगेट कम से कम 7590। अगर वो सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक करता है नीचे की तरफ 7575, तो फिर ये 7430 के आसपास जा सकता है। तो ये मेजर लेवल एनालिसिस है बजाज फाइनेंस का। इसी तरीके के वीडियो और भी मैं दूंगा वीकेंड में। फिलहाल अब यहाँ पे जिन लोगों ने इस हफ्ते रेंज बाउंड शॉर्टिंग किया है उनको प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट वीक में बेचने के लिए वेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी भी है तो नेक्स्ट वीक मंडे के ट्रेडिंग के बेसिस पे, क्योंकि एक्सपायरी तक बाजार इसी तरीके से चलेगा, नीचे आएगा ऊपर भी जाएगा, मतलब शॉर्ट वाले भी कमाएंगे लॉन्ग वाले भी कमाएंगे। उसके बाद एक अच्छा खासा मंदी आएगी और उस मंदी में, मंदी से पहले आप शॉर्ट करके बैठे रहेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे शॉर्ट वाले। और उस मंदी में क्या खरीदना है क्या बेचना है हम अक्टूबर 1st वीक के बाद बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाद।